भारत में इस बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले एक बड़ी खबर से करते हैं। छठी जेपीएससी नियुक्ति मामले में सुनवाई हाईकोर्ट के डबल बेंच में की गई है। कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए छठी जेपीएससी के रिजल्ट को खारिज कर दिया है, जिसके बाद 326 सफल अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि जेपीएससी के द्वारा 326 लोगों की नियुक्ति कर दी गई है, जिसके बाद ये लोग राज्य के विभिन्न जिलों में अपनी सेवा दे रहे हैं। सिंगल बेंच के आदेश को गलत बताते हुए प्रार्थी शिशिर तिग्गा समेत अन्य याचिकाकर्ताओं ने याचिका में आदेश को निरस्त करने की गुहार लगाई थी। उनकी ओर से दायर किए गए याचिकाओं में कहा गया था कि छठी जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में पेपर वन यानी हिंदी और अंग्रेजी का अंक कुल प्रापांक में जोड़ना सही है। इस आधार पर जेपीएससी ने मुख्य परीक्षा के बाद मेरिट लिस्ट जारी की है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छठी जेपीएससी परीक्षा मामले में हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आज सामने आया है। 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति रद्द हो जाएगी। एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी गई थी जो खारिज कर दी गई है। जेपीएससी का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। ऐसे लोग जिन्हें डीएसपी बनना था, ऐसे लोग जिन्हें एसडीपीओ बनना था, ये तमाम लोग बाहर हो गए और ऐसे लोग जिन्हें आगे संघर्ष करना था उनके शरीर पर वर्दी आ गई, नौकरी करने लगे। मुख्य याचिकाकर्ता हमारे साथ हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करता। देखिए, टोटल 6 पेपर होते हैं मेंस में, छह पेपर होते जिसमें जो प्रथम पेपर होता है वह सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, ओनली फॉर क्वालिफाइंग, यानी आपको 30% ओनली लाना है आउट ऑफ 100 में। हाँ। और इस मार्क्स को मेरिट में नहीं जोड़ना था। समझने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छठी जेपीएससी की जो मुख्य परीक्षा हुई थी, 6 पेपर की परीक्षा हुई थी और एक जो पेपर होता है वो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, यानी कि उसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। लेकिन जब जेपीएससी ने मेरिट लिस्ट निकाली तो उसमें क्वालिफाइंग पेपर के भी मार्क्स को जोड़ दिया, लिहाजा कई लोग गंगा नहा गए। हाँ सर, बिल्कुल मैं आ रहा हूँ। दूसरा एक और मामला था, मैंने जो समझाया सही है जी, बिल्कुल सही। दूसरा एक मामला था कि बाकी जो जीएस के पेपर थे 5 पेपर, उसमें प्रत्येक पेपर में 40% लाना जरूरी था, लेकिन जेपीएससी के द्वारा ऐसे लोगों को नियुक्त किया गया जिसमें कि कुछ पेपर में 40% मार्क्स नहीं लाए थे, उनको भी मेरिट में शामिल कर दिया गया। और इन दोनों मुद्दों को लेकर के हमने माननीय हाई कोर्ट में याचिका अपील की थी और प्रथम सिंगल बेंच के द्वारा हमारे पक्ष में फैसला भी आया था। क्या अब होगा, आगे क्या असर पड़ेगा? अब माननीय हाई कोर्ट के जो आदेश आए हैं उसके अनुसार जेपीएससी और सरकार को उनकी बात को माननी होगी और पुनः क्वालिफाइंग पेपर के जो मेरिट में जोड़ दिए गए थे उसे हटा करके और मिनिमम जो 40% मार्क्स थे उसे हटा करके फ्रेश एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। बहुत लोग काम भी कर रहे होंगे इस, बिल्कुल अभी कंटिन्यू काम कर रहे हैं। जो लोग हैं होंगे जो कि प्रभावित होंगे इस फैसले से? देखिए सर, अभी एक्चुअली कंक्रीट डाटा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगभग 130-135 के आसपास ऐसे पदाधिकारी हैं जो बाहर होंगे 326 में। सर, राज्य की सेवा करेंगे जी। एक्चुअली क्या है ना कि हम इस लड़ाई में जो हमारा नौकरी हो ना हो या किसका हो ये नहीं, लेकिन जो गलत किया था सरकार हेमंत माननीय मुख्यमंत्री जो, उसके लिए हम लोग आगाह भी किए थे, सावधान भी किए थे सरकार की आपने गलत किया है रिजल्ट देने में भी, और जो नियुक्ति दे रहे थे उसमें भी मुख्यमंत्री जी को हम लोग मिले थे कि नियुक्ति मत दीजिए। आज ये खुश है जी? अब खुश है क्योंकि न्यायालय जब सर के पास गए तो न्यायालय हम लोग के पक्ष में दिए। चलिए, तो 135 लोगों की नौकरी जाएगी, नए लोग आएंगे, देखना दिलचस्प होगा किस मामले में अब आगे क्या होता है। लेकिन जेपीएससी और विवाद साथ साथ चलता रहता है। करमन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।